दोस्तों फाइनली लॉकडाउन से राहत मिलने के बाद, अब राहत पूरी तरह से तो नहीं मिली है लेकिन हाँ कुछ हद तक राहत मिल गई है। और ये राहत मिलने के बाद कुछ डीलरशिप गाड़ियों की और बाइक की ओपन होने लगी हैं। डीलरशिप ओपन होने के बाद जो लोग नई गाड़ी और बाइक खरीदने का प्लान बना रहे थे तो वो लोग घर से निकलने लगे हैं बाइक खरीदने के लिए। लेकिन जब बाइक खरीदने या गाड़ी खरीदने के लिए जब बाहर निकल रहे हैं तो उनके मन में कई तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और उन लोगों ने, कई लोगों ने तो वो क्वेश्चन, मेरे जो पहला वीडियो था जो मैंने बताया था कि लॉकडाउन का क्या इफेक्ट हुआ गाड़ियों के प्राइस पर, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, अब उसको जाके देखिए। तो कई लोगों ने उसमें क्वेश्चन करके पूछे थे, जो उनके बारे में डाउट चल रहे थे, क्वेश्चन थे कि BS4 गाड़ी लें या BS6 गाड़ी लें, किसमें एज अ कस्टमर मेरा ज़्यादा फायदा है, BS4 खरीदना चाहिए BS6 खरीदना चाहिए, क्या चेंजमेंट लाए गए हैं BS4 BS6 में। और हम इंडियन सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं माइलेज पर, तो माइलेज पर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे कि किसमें ज़्यादा माइलेज मिलेगा BS4 में या BS6 में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा, सारे आपके डाउट दूर करूंगा, सारे आपके जितने कन्फ्यूजन सब यहाँ पे आज खत्म हो जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलो जी दोस्तों चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, बात करते हैं कि क्या है BS नाम की बला। हम लोग काफ़ी सुन रहे हैं BS4 BS6, इसके बारे में बताता हूँ कब आई, कहाँ से आई, कैसे आई और आई क्यों लाएगी। दोस्तों जब हमारे इंडिया में व्हीकल बाइक मोटरसाइकिल बाइक और गाड़ियों की, इन दोनों की सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई तो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होने लगा। जब इसका पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो पर्यावरण मंत्रालय ने इस पर संज्ञान लिया और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को निर्देशित किया कि इसके मॉनिटरिंग के लिए और इसके मॉनिटरिंग के लिए इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप लिए जाएँ। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने BS का गठन किया, उन्होंने एक लिमिट सेट कर दी कि गाड़ियों के लिए बाइक के लिए कि मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी की क्या रिक्वायरमेंट है उनकी, और उनकी पोल्यूशन की क्या मिनिमम मैक्सिमम इमिशन उनका क्या हो सकता है, ये सारी स्टैंडर्ड सेट कर दिए। अब उस टाइम हमारे पास कोई स्टैंडर्ड तो था नहीं, तो उसके लिए हम लोगों ने यूरोपियन कंट्रीज़ में जो उनके पॉल्यूशन और सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड चलते हैं, जिसको वहाँ पे यूरो 1 बोला जाता है, उस टाइम पे यूरो 1 बोला जाता है, तो उसको फॉलो किया, उसका रेफरेंस लिया और स्टैंडर्ड सेट कर दिए। तो ये जो पहला स्टैंडर्ड सेट किया गया था ये 2000 में सेट किया गया था, तो इसको पहला नाम इंडिया 2000 दिया गया। इसके बाद 2005 में इसकी दूसरी जनरेशन आई जिसका नाम रखा गया BS2। उसका 2010 में इसकी तीसरी जनरेशन आई जिसको हम लोगों ने बोला BS3। लेकिन BS3 के बाद काफ़ी लंबा गैप ले लिया गया, 7 साल का गैप ले लिया गया अगली जनरेशन लाने के लिए, अगले इमिशन नॉर्म्स लाने के लिए। लेकिन जो 7 साल बाद चौथी जनरेशन आई इसको हम लोगों ने BS4 बोला, लेकिन BS4 में इतने ज़्यादा पोल्यूशन को इतना ज़्यादा लिमिट इतना कम नहीं किया गया था, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और हमारी भारत सरकार ने भी संज्ञान लिया। उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया कि 2019 में जो नए मिशन नॉर्म्स आने वाले हैं इसको स्किप कर दिया जाएगा और 1 साल का गैप देकर जो स्किप किया गया यानी BS5 आने वाला था उसकी जगह BS6 लाया जाएगा। तो ऐसा हुआ और कार मैन्युफैक्चर को 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम देकर उन्हें पहले से, काफ़ी पहले से, लगभग 1-1.5 साल पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया था कि 2020 से 1 अप्रैल 2020 से BS6 नॉर्म्स लागू हो जाएगा, BS6 नॉर्म्स वाली गाड़ियाँ ही सेल होगी। उसके बाद दोस्तों अब बात यहाँ पे ये आती है कि क्या चेंजमेंट आई BS4 को BS6 में लाने के लिए, क्या चेंजमेंट आई, क्या नए नॉर्म्स हैं। तो दोस्तों अगर नॉर्म्स की बात की जाए तो BS6 में डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन इन दोनों के नॉर्म्स को काफ़ी ज़्यादा लोअर डाउन कर दिया गया। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा BS4 में जो पेट्रोल गाड़ियाँ हैं और पेट्रोल बाइक यानी बाइक वगैरह हैं ये इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करती थी, फिर भी इनके नॉर्म्स को, इनके जो मैक्सिमम इमिशन नॉर्म्स हैं इनको कम कर दिया गया। लेकिन डीजल व्हीकल जो थे दोस्तों बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे थे, तो डीजल व्हीकल का जो BS4 के इमिशन नॉर्म्स थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली काफ़ी ज़्यादा लोअर डाउन किए गए, बहुत ज़्यादा लोअर डाउन किए गए, जिस वजह से उनमें काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन किए गए, कई नए पार्ट्स भी लगाने पड़े ताकि वो BS6 नॉर्म्स को मीट कर पाए। अब नए पार्ट्स लगे हैं, नए सब चीज़ें लगी हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि उसमें प्राइस इंक्रीमेंट होना नॉर्मल सी बात है। और अगर आप टैकी पर्सन है या फिर आपको इंटरेस्ट है कि कौन से नए पार्ट लगाए गए हैं, कौन से चेंजमेंट किए गए हैं, क्या नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो उस थोड़ा उस बारे में आपको मैं ब्रीफ कर देता हूँ, बता देता हूँ। दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको DPF देखने को मिलेगा डीजल इंजन में, DPF डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर, ये फिल्टर ये लगाया गया। दूसरा इसमें आपको SCR देखने को मिलेगा, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। इसमें एज अ कैटालिटिक एक लिक्विड यूज किया जाता है जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि डीजल इंजन के इमिशन से निकलता है, पेट्रोल इंजन के इमिशन से भी निकलता है, लेकिन जो चीज सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है इमिशन में, इसको ये कन्वर्ट कर देता है डायमेटिक नाइट्रोजन में और वाटर वेपर्स में, जो कि कंपेयर टू नाइट्रोजन ऑक्साइड से कंपेयर किया जाए तो बहुत कम हार्मफुल होता है। और इसमें एज अ कैटालिस्टिक जो यूज किया जाता है वो एडब्लू होता है, इसको अलग से फिल किया जाता है, अलग से डाला जाता है और ये इसको कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक पार्ट लगाएगा। तीसरा पार्ट है, ये जो तीसरा पार्ट है दोस्तों ये BS4 व्हीकल में भी हुआ करता था,
लेकिन इसको अपडेट किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ECU जिसको बोलते हैं, इसको अपडेट किया गया है इसके लिए, जिस वजह से थोड़ा सा प्राइस में हाइक आपको देखने को मिल सकता है। और इतने से ही दोस्तों BS4 पेट्रोल और डीजल इंजन ने BS6 नॉर्म्स को मीट नहीं किया, इसके लिए फ्यूल को भी मॉडिफाई करना पड़ा दोस्तों। जो BS4 व्हीकल में जो फ्यूल पड़ता था दोस्तों, उसमें जो सल्फर कंटेंट हुआ करता था 50 PPM तक हुआ करता था, लेकिन BS6 व्हीकल के लिए फ्यूल को मॉडिफाई जब किया गया तो उसमें सल्फर कंटेंट को 4 गुना तक कम कर दिया गया। अब जो BS6 व्हीकल के लिए जो फ्यूल है उसमें जो सल्फर का कंटेंट है वो 10 PPM तक है दोस्तों, जिसकी वजह से हुआ ये कि BS6 डीजल इंजन में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो इमिशन था वो 70% तक कम हो गया, और जो BS6 पेट्रोल इंजन में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का इमिशन था वो 25% तक कम हो गया। अब बात करते हैं प्राइस पर क्या डिफरेंस आया। अब यहाँ पर मैं दोस्तों इतना ही मेंशन करना चाहूँगा, मैं सिर्फ इंजन की प्राइस के बारे में बता रहा हूँ कि क्या डिफरेंस आया, ओवरऑल व्हीकल के प्राइस के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कई कंपनियों ने हो सकता है कि जब इंजन चेंज किया तो कुछ और मॉडिफिकेशन भी कर दिए हों, तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको इंजन के प्राइस के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों जो BS6 पेट्रोल इंजन है तो उसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करने पड़े हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं थी, तो इसमें आपको 20,000 से 25,000 तक का प्राइस हाइक देखने को मिलेगा। लेकिन बात करें डीजल इंजन की, क्योंकि उसमें नए पार्ट लगाए गए हैं, नई चीज़ें लगाई गई, ज़्यादा मॉडिफिकेशन किया गया है, तो उसमें अगर छोटे इंजन डीजल इंजन की बात की जाए तो उसमें 70,000 से 80,000 रुपये तक का प्राइस आया हाइक आपको देखने को मिलेगा, और अगर बड़े इंजन की बात की जाए तो 1 से 1.5 लाख रुपये तक का प्राइस हाइक आपको देखने को मिलेगा इसमें। और यहीं पर आप लोगों ने, कई लोगों ने क्वेश्चन भी ये भी पूछा था कि वो कमेंट करके पूछा था कि क्या हुआ अगर हम लोग जो हमारा BS6 व्हीकल है उसको अगर हम लोग BS4 व्हीकल के जो फ्यूल है, BS4 व्हीकल का फ्यूल के लिए जो फ्यूल था उस पर चलाएँ तो क्या हुआ। तो मेरा आपको साफ साफ सजेशन है कि बिल्कुल मत चलाइए, क्योंकि इसमें आपके जो नए पार्ट लगाए गए हैं, DPF वगैरह हो गया, SCR हो गया, ये उससे, क्योंकि ये फ्यूल ज़्यादा रिफाइन नहीं है, उसमें सल्फर कंटेंट ज़्यादा है, तो वो पार्ट भी डैमेज हो सकते हैं और इंजन के लिए भी अच्छा है। लेकिन अगर अच्छा नहीं है, अगर आप कहीं, लेकिन कहीं इमरजेंसी में फंस गए हैं, आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, तब आप यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसा तब भी आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि ये सुनिश्चित कर लिया गया है कि जब तक BS6 व्हीकल लॉन्च किए जाएँ तब तक सारे पेट्रोल पंप पर BS6 फ्यूल आराम से मिलने लगे, और लगभग मिलने लगा, शायद ही कोई ऐसे पेट्रोल पंप हो जहां पर BS6 फ्यूल नहीं मिल रहा हो, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं पे बात आती है कि क्या BS4 व्हीकल को BS6 के लिए जो फ्यूल बनाया गया है उस पर चला सकते हैं, तो आप बेफिक्र होकर, बेझिझक होकर चलाइए, क्योंकि जो BS6 के लिए जो फ्यूल है वो रिफाइन है, उसमें सल्फर कंटेंट कम है, तो उसके आपको बेनिफिट ही मिलेगा। एक सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये मिलेगा कि आपका BS4 व्हीकल भी कम पॉल्यूशन देगा, कल पॉल्यूशन इमिशन करेगा, और दूसरी चीज़ ये कि आपके इंजन की लाइफ के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि सल्फर कंटेंट कम है इस वजह से, तो उस लिए भी अच्छा होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपको क्या लेना चाहिए, BS4 व्हीकल लेना चाहिए, BS6 व्हीकल लेना चाहिए, एज अ कस्टमर आपका किस में ज़्यादा फायदा है। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं, ऐसे पर्सन हैं जो व्हीकल बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं, बहुत जल्दी चेंज कर देते हैं, तो मेरा आपको सजेशन है आप BS6 व्हीकल लीजिए, क्योंकि अगर आप 2 से 3 साल में अपना व्हीकल चेंज कर देंगे तो फ्री सेल वैल्यू उतने नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि अभी BS6 ज़्यादा चल रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो लॉन्ग रन में अपना व्हीकल चेंज करते हैं, काफ़ी टाइम बाद चेंज करते हैं, तो आपके व्हीकल पे ज़्यादा प्राइस का जो इफेक्ट होगा वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप आज की डेट में जब कोई अगर गाड़ी खरीदने जाते हैं या कोई गाड़ी आप बेचते हैं, तो कोई आपसे नहीं पूछने आता भाई साहब आपका BS4 का है या BS3 का है, कोई आपसे नहीं पूछता है। तो सेम इस केस में भी आपसे ज़्यादा टाइम बाद अगर 5-6 साल बाद आप बेच रहे हैं, तो कोई आपसे नहीं पूछेगा कि BS4 पर रहने या BS6 पर रहने, तो उसका ज़्यादा इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। दूसरा जो आपको इसमें बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों, वो बेनिफिट ये है कि इस टाइम पे जो नए BS6 आ रहे हैं, इंजन आ रहे हैं, उनमें प्राइस हाइक होके आ रही है, क्योंकि 25,000 लगभग 1-1.5 लाख रुपए तक का प्राइस हाइक होके आ रही है। लेकिन BS4 आप ले रहे हैं तो आपको वो प्राइस हाइक आप देखने को नहीं मिलेगी। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, बात करें माइलेज के बारे में, तो जो ARI को क्लेम किया गया, जो ARI को डाटा दिया है सारी कार मैन्युफैक्चरर ने, उनके सभी मॉडल के जो माइलेज निकल के आया है सब में कुछ ना कुछ कमी आई है BS6 में, कंपेयर किया जाए BS4 मॉडल से, सेम BS4 मॉडल से अगर उनका माइलेज कंपेयर किया जाए तो सब में कुछ ना कुछ कमी आई है। तो अगर आप BS4 ले रहे हैं तो आपको नॉर्मल सी बात है, आपको माइलेज अच्छा मिलेगा, और हम लोग माइलेज के पीछे हमेशा भागते हैं, हम इंडियन को माइलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। और एक और आपको यहाँ पे बात बताते हैं, क्योंकि डीजल इंजन में अगर आप जा रहे हैं तो नए पार्ट लगाए गए हैं, क्योंकि नए पार्ट हैं और इनका मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, मेंटेनेंस ज़्यादा है, उसके साथ साथ मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा है, क्योंकि नए पार्ट हैं अभी, तो इस वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा है। तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए, अगर BS4 नहीं ले रहे हैं, BS6 ले रहे हैं, तो अगर BS4 ले रहे हैं तो आपको ये बेनिफिट भी मिलेगा। और सबसे लास्ट में आपको ये बेनिफिट और बताता हूँ, अगर आप BS4 लेते हो तो
क्योंकि अभी लॉकडाउन खुला है, मार्केट बंद था और सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अगर मैंने पूरा इफेक्ट बताया था कि लॉकडाउन का इफेक्ट क्या हुआ गाड़ियों प्राइस पर, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके आई सेक्शन में लिंक है वहाँ पर जाके देखिए। तो सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप 10 दिन के लिए BS4 व्हीकल बेच सकते हैं, तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो उसको जल्दी से जल्दी बेचना है तो आपको डील भी अच्छी मिलेगी। ऐसा नहीं BS6 पे डील नहीं मिलेगी, BS6 पे डील मिल सकती है, लेकिन BS4 पे आपको अच्छी डील मिलेगी। और फिलहाल इसी वीडियो में इतना ही, होप कि मैंने आपके सारे क्वेश्चन और सारे जो डाउट होंगे, सारी क्वेरीज होगी, उनको आंसर किया होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।